الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 तरावी मुकम्मल हो गई जिसमें 12वें पारे का आधा पारा आज तिलावत किया गया अल्हम्दुलिल्लाह और इसी के साथ साथ आज ताक रात की दूसरी रात अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ ये दुआ हम और आपको पढ़ना चाहिए। सूरह यूनुस कि एक आखिरी आयत बच गई थी उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और गोया की जितने भी नबी आए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तीन बातों की तरफ रहनुमाई फरमाई कि तीन काम आपको करना है। पहला क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वत्तबि मा यूहा इलैक जो भी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वही की जाए उसकी इत्तिबा कर यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो भी चीजें वही की शक्ल में आती यानी हुक्म का दर्जा रखती हैं उसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी नबी हैं उसकी इत्तिबा करनी है। कोई भी हुक्म हो उसको संभाल करके रखना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। पहला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो वही की जाती है उसकी इत्तिबा करना। वस्बिर दूसरा सब्र करना। जितने भी नबी आए अक्सर नबियों ने बहुत ज्यादा देर तक अपनी कौम वालों को अपनी उम्मतियों को दावत का काम करते रहे दावत की तरफ बुलाते रहे इस्लाम की तरफ बुलाते रहे तो उसमें सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आदमी किसी को समझा रहा है बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जाहिल मिलेंगे समझदार मिलेंगे अकलमंद मिलेंगे तो जाहिल का रवैया अजीब तरह होता है तो उसमें सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा कुरान मजीद के अंदर कहा गया अगर किसी जाहिल से सामना पड़ जाए तो आप सलाम करके निकल जाइए क्योंकि कुछ भी करेगा वो कुछ भी बातें बोलता है। तो पहला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी वही करता उसकी इत्तिबा करनी दूसरा सब्र से काम लेना हत्ता यहकुम अल्लाह यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला कर दे। फैसले का क्या मतलब है ये कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर वही की शक्ल में नाजिल कर रहा है जो भी हुक्म कर रहा है वो अपनी कौम को बतलाना है हुक्म देना है दावत देना है उनको इस्लाम की तरफ बुलाना है नेक रास्ते की तरफ बुलाना है। अगर आपकी कौम सीधे रास्ते पर नहीं आती है मनमानी करती है अजीब तरह से जिंदगी गुजारती है उसमें सब्र करना है हत्ता यहकुम अल्लाह यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला कर दे। सब्र जब तक करना है जब तक कि अल्लाह का फैसला ना आ जाए। फैसले से यह मुराद है कि या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे दे या अल्लाह का अजाब उसके ऊपर नाजिल हो जाए ये फैसले का माना है। फैसले का माना ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला कर दे यानी उनके ऊपर अजाब नाजिल हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गिरफ्त कर ले उनको अपने अजाब अपने शक्ल में ले ले ये फैसले का मतलब है। ये तीन बातें बहुत ही मुश्किल काम है इत्तिबा करना पूरी जिंदगी जब तक वही नाजिल आ रही है हुक्म आ रहा है उसकी इत्तिबा करनी है और अपने कौम वालों को भी समझाना है और इसी के साथ साथ कौम हर धर्मी पर उतर आती है क्या क्या काम करती है कज़ाब कहती है झूठा कहती है गाली गलौज देती है उस पर सब्र करना है। और तीसरा कब तक सब्र करना है जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला ना आ जाए जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई फैसला ना कर दे। ये चीजें अगर देखनी है तो हम और आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठा करके देखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल सबसे पहला रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
और इन्होंने अपनी कौम को 950 बरस तक तबलीग करते रहे, 950 बरस तक, 9 साल 10 साल नहीं, 950 बरस। और इतनी कसीर मुद्दत में इतने ज्यादा दिन के बाद कितने लोग ईमान लाए? 80 लोग, 80 और उससे कुछ ज्यादा लोग। तो ये 950 बरस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तिबा करते रहे, जो भी वही नाजिल करते रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इत्तिबा करते रहे, उसकी पैरवी करते रहे, और 80 लोग ईमान लाए। आपने सब्र किया, गुस्सा नहीं हुए, दावत देते रहे देते रहे, 80 लोग 80 लोग हुए, 950 बरस में 80 लोग दावत, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर दिया, उनके ऊपर अजाब नाजिल किया गया, सैलाब आया, गर्क गर्क हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। तो ये आयत नूह अलैहि सलाम की पूरी जिंदगी एक इत्तिबा की और सब्र से काम लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ गया। सूरह हूद देखते हैं, सूरह हूद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 3 के अंदर अपने कौम वालों को, लोगों को बतला रहा है, इस दुनिया के लोगों को, तमाम लोगों के लिए, कि अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया में भी आखिरत में भी तो कुछ चीजों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन रहनुमाई कर रहा, उसको कर लो, दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वा अनिस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफिरत तलब करो और तौबा करो। दो चीज, मगफिरत तलब करना और तौबा करना, क्या दोनों चीज अलग है? एक मगफिरत कर रहा है आदमी और तौबा कर रहा है, बजाहिर लग रहा है कि एक ही चीज है लेकिन अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। मुफस्सिरीन किराम ने कहा है इस्तगफार करना, इसका माना यह है कि आदमी अपनी जबान को हिला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा ग़फिर ली वरहमनी वहदनी वाफनी वरज़ुक़नी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मुझ पर रहम कर, उर्दू में कह लीजिए ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ पर रहम कर। जबान को हरकत देकर, जबान को हिलाकर एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तगफार कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांग रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तगफार कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत कर दे, जबान को हिला करके। वस्तगफिरु, ये इस्तगफार है। फिर कहा सुम्मा तूबू, तौबा कीजिए। तौबा से मुराद ये है कि आदमी की जबान के हिलने के साथ साथ दिल भी हिले। जबान तो हिल रही है, दिल भी हिलना। क्यों? क्योंकि एक आदमी जब गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है, किसी गलत रास्ते पर चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे। और शर्मिंदगी होती है कि मैंने ये जो काम कर दिया है ये नहीं करना चाहिए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी काम के करने का हुक्म दिया है और मैंने उसको नहीं किया, उस पर तौबा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी काम से रोक दिया है, एक आदमी ने उसको कर लिया, फिर आदमी तौबा करे, ये तौबा है। जबान से, जबान हिल रही है, दिल भी हिल रहा है। जब आदमी शर्मिंदा होता है तो दिल के अंदर एक थर्राहट महसूस होती है, एक शऊर आता है कि मैंने गलत काम कर दिया, मुझे ये चाहिए था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना किया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म दिया था, मैंने ये नहीं किया, मैं इससे रुक गया, तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करूं। ये है तौबा। और इस्तगफार ये कि आपकी जबान से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बख्श दे, और तौबा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे ये गलती हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा। क्योंकि आदमी जब शर्मिंदा होता है तो फिर वो दोबारा काम नहीं करेगा, क्योंकि शर्मिंदगी उसको दिल के अंदर है, मैंने ये कर दिया, नहीं होना चाहिए था, आगे नहीं करेगा। तौबा और इस्तिगफार में ये फर्क है, मुफस्सिरीन किराम ने ये फर्क बताया। और अगर आदमी है, कोई आदमी ये कर रहा है इस्तिगफार और तौबा कर रहा है, तो क्या फायदे हैं? युमतिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अता करेगा, युमतिउकुम फायदा पहुंचाएगा, मताअन हसना दुनिया की बेहतरीन चीज से। तौबा इस्तगफार कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया बना रहा है, दुनिया की बात है, युमतिउकुम मताअन हसना तुम्हें बेहतरीन चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन फायदा देगा। कब तक? इला अजलिन मुसम्मा, कयामत तक, जब तक आप इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, जब तक आप
इस्तगफार किया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफरत तलब किया करो और तौबा तौबा किया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने शर्मिंदा हो, नादिम हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जिंदगी बना देगा। वयुक्ति कुल्लजी फज़लिन फज़ला, और इसी के साथ साथ वयुक्ति कुल्लजी फज़लिन फज़ला, और भी देगा अपने फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको, और भी देगा। कब? जब आप आखिरत में जाएंगे, कयामत कायम होगी, आदमी मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, दुनिया की जिंदगी बनाने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में भी इसका बदला देगा, आपकी दुनिया भी सवर गई और आखिरत भी सवर गई। وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, ये बतलाया कि अगर आदमी तौबा इस्तिगफार करता है तो उसकी दुनिया बच जाएगी और आखिरत भी बच जाएगी। وَإِن تَوَلَّوْا, अगर कोई रुगर्दानी करता है, अगर कोई नहीं करता है, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ, तो उसके ऊपर मेरा अजाब होगा, अजाब यौमिन कबीर, वो बड़े अजाब से डरे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन डरा रहा है, गोया की तौबा इस्तिगफार हम और आपको करना ही करना है, चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन डरा रहा है, अगर नहीं करोगे तो अल्लाह का अज़ाब तुमको पकड़ लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त हो जाएगी। तो अगर दुनिया चाहते हो और आखिरत दोनों चाहते हो तो तौबा और इस्तिगफार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका दिया, कितना बेहतरीन तरीका। आदमी इस्तिगफार करता रहे, अस्तगफिरुल्लाह कहता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ कर दे, कोई गलती हो गई तौबा कर लीजिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन धमका रहा, एक बड़ी चीज बता रहा, इल्लाहि मरजिउकुम, अगर तौबा इस्तिगफार नहीं करोगे मेरे ही पास लौट कराना है तुमको, तौबा इस्तिगफार नहीं करोगे, गलतियों पर गलतियां करोगे, मासियत करोगे, नाफरमानियां करोगे, बुराइयां करोगे, खताएं करोगे, गुनाह पे गुनाह करते रहोगे, इल्लाहि मरजिउकुम, मेरे ही पास लौट कराना है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह की जात वो है, हर चीज पर क़ादिर है, उसका हिसाब जरूर देगा। ये दुनिया दारुल अमल है, बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां है, आखिर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला देगा। यहां दुनिया के अंदर जो भी करोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुस्खा बयान फरमाया है कि आदमी अगर इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत का एक करिश्मा बतला रहा है, क्या बतला रहा है? वह हुवा अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को 6 दिन के अंदर पैदा किया, 6 दिन के अंदर आसमान और जमीन को पैदा कर दिया। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम और आपको मालूम है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहे कर सकता है, लेकिन आसमानों जमीन को 6 दिन के अंदर बनाया, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते कुन फयकून, कुन हो जा, वो हो जाए, लेकिन यहां 6 दिन की मुद्दत क्यों, क्या वजह? इंसान को बतलाना मकसूद है यहां कि दुनिया के अंदर अगर कोई काम करो तो जल्दबाजी से नहीं करो, तदरीज के साथ, तदबीर के साथ, आहिस्ता आहिस्ता कोई काम करो, उसमें शिफा है, उसमें भलाई, उसमें रहमत है, उसमें बरकत है। अगर जल्दबाजी करोगे शैतान का काम है, अल अजलतु मिन शैतान, ये जो अमल है जल्दबाजी का ये शैतान का काम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को 6 दिन के अंदर पैदा किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, और इंसान को यह बतलाना मकसूद है कि आदमी दुनिया के अंदर जल्दबाजी ना करे, कोई काम करे तो सब्र से करे, यहां भी सब्र का तज़किरा है, आदमी सब्र से काम ले, जल्दबाजी ना करे, जल्दबाजी करोगे तो गड्ढे में गिरोगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों का तज़किरा कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया चाहते हैं, दुनिया की रंगीनियां चाहते हैं, दुनिया में शोहरत चाहते हैं, मालो दौलत चाहते हैं, उनका तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मन कान युरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा, जो आदमी दुनिया की जिंदगी को चाहता है और वजीनतहा, और उसकी रंगीनियों में मस्त होना चाहता है, नुवफ्फि इलैहिम, हम उसको पूरा पूरा बदला देते हैं, आमाल हम उसके बदले में, उसके लिए दुनिया में सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देता है। अगर कोई आदमी इस दुनिया के अंदर दुनिया सिर्फ चाहता है कि दुनिया मिल जाए उसको, वो अल्लाह की नाफरमानियां करता है, अल्लाह के लिए कोई काम नहीं करता, अल्लाह के रास्ते पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारता है, सिर्फ दुनिया चाहता है, दुनिया चाहता है और उसके साथ साथ उसकी जीनत चाहता है, यानी
सही क्या है, गलत क्या है, सीधा रास्ता क्या है, अल्लाह का फरमान क्या है, नबी का फरमान कुछ नहीं दिख रहा, उसको दुनिया चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा नुवफ्फी इलैहिम आमालहुम, हम उसको पूरा का पूरा दुनिया दे देते हैं। आज देखते हैं कितने ऐसे गैर मुस्लिम है या कितने ऐसे अल्लाह के नाफरमान है जो ऐश इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। एक और मकाम पर सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा फला तुअजिबुक अमवालुहुम औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनहुम, कि आप लोगों की माल और दौलत को देख करके ताज्जुब ना करें, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया दे रखा है। अगर कोई आदमी अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है और अगर उसे दुनिया में कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो ये मायूस ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला कल कयामत के दिन देगा, आखिरत में देगा। और जो आदमी अल्लाह की नाफरमानियां करता है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरी दुनिया दे देना। जा, ये जो अमल तेरे दुनिया के अंदर है आखिरत में कुछ भी नहीं है तेरे लिए, तो हम मायूस ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसका बदला आखिरत में जरूर देगा। तो जो दुनिया चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरा दे देता है। दो फी इलैहिम आमालहु, और अगर वो कोई आदमी दुनिया चाहता है और अगर नेक अमल भी करता है तो उसका बदला दुनिया में दे दिया, आखिरत में उसका कुछ भी नहीं है, दुनिया के अंदर पूरा का पूरा नुवफी हम उसको पूरा का पूरा दे देते हैं, आमाल उसके बदले में पूरा का पूरा दे देते हैं। तो जो दुनिया चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरी दुनिया दे देता है। और आगे कहा उलाइकल लदीना लैस लहुम फिल आखिरति इल्ला नार, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर सारी रंगीनियां दे दी गई, शोहरत मिल गया, गाने बजाने पता नहीं क्या क्या किया, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारे, तो दुनिया के अंदर तुमने ऐश परस्ती की, जो भी चाहा किया, अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह की मासियत की, चोरी की, डकैती की, क्या भी किया दुनिया के अंदर किया, आखिरत में क्या है उसकी सजा क्या है? उलाइकल लदीना लैस लहुम फिल आखिरति इल्ला नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए जो जजा देगा, जो सजा देगा वो आग हो गया, यानी जहन्नम में इसको डाल दिया जाएगा, आखिरत में सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। दुनिया में बहुत मौज किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ऐश किया, आखिरत में क्या है? आग, उसकी सजा है आग। और कहा वहबिता मा सनउ फीहा वबातिलु मा कानू यअमलून, और हमने जो दुनिया के अंदर वो जो बनाया था, जो कुछ किया था, उसको बर्बाद कर दिया, वहबिता बर्बाद कर दिया गया, मा सनउ जो भी सनउ के माने ये होते हैं आदमी पूरा बेहतरीन अंदाज में कोई चीज बनाए, बेहतरीन अंदाज में, जैसे मस्जिद है ये, अभी ये मस्जिद बना दिया गया, अभी इस पे पेंट किया जाए, इसकी नशो नुमा की जाए, इसमें लाइटिंग वगैरह लगा, फायर वगैरह लगा, ये पूरे तरह से चकमका रही है, चकमका नहीं, ये हो गया सनउ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है सुनअल्लाहिल्लज़ी अतकन कुल्ल शय, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई चीज इस दुनिया के अंदर बनाई है तो परफेक्ट बनाई है, उसमें कोई ऐब नहीं है, उसको नहीं कह सकते सुनअल्लाहिल्लज़ी अतकन कुल्ल शय, हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन अंदाज में परफेक्ट बनाया, परफेक्शन दिया उसमें, उसमें कोई कमी नहीं, कोई भी चीज आप नहीं कह सकते इसमें कमी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी चीजें बनाई है वो परफेक्ट बनाई है, तो ये कहा गया मा सनउ, जो आदमी इस दुनिया के अंदर जो कुछ बनाया था उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर देगा, वो बातिलु मा कानू यअमलून, उनके लिए कुछ भी नहीं होगे, उसके सारे आमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन उसको जहन्नम में दाखिल करेगा और कुछ भी उसके लिए ठिकाना नहीं होगा, आखिर में सिर्फ और सिर्फ रुसवाई होगी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को आगाह कर रहा है जो दुनिया की रंगीनियों में मस्त है, जो ये समझ रहे हैं कि हमको तो सब कुछ मिल गया, ना अल्लाह हमें पकड़ रहा है, ना हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, ना परेशानियां आ रही हैं, हर तरह की खुशी हमें मिली है, हर तरह की आसाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये दुनिया की जिंदगी ही बस, उसके अलावा आखिरत में क्या है? उलाइकल लदीना लैस लहुम फिल आखिरति इल्ला नार, उनके आखिरत में अजाब के सिवा, जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये दुनिया तलब करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दर्दनाक अजाब बताया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा कर रहा है, नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया जा रहा है। فقال الملأ الذين كفروا جب انہوں نے کہا اپنے قوم والوں سے کہا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه, कि मैं आप लोगों की तरफ
रसूल बना करके भेजा भेजा गया हूं, इन्नी लकुम नज़ीर मुबीन, तुम मैं तुमको डराने वाला हूं। तो उन लोगों ने क्या कहा, फकाल अलमलअ अल्लज़ीन कफरू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरन मिस्लना, तुम नबी कैसे हो सकते हो? नूह अलैहि सलाम को कहा तुम नबी कैसे कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारी तरह इंसान हो, तुम अगर नबी होते तो तुम्हारे अंदर कोई मौजज़ा होती, हम भी इंसान तुम भी इंसान कैसे मान ले तुम जो है नबी हो? और क्या कहा, वमा नराका तबअका इल्ला अल्लज़ीन हुम अरादुना बादी अल्लाह, हम देख रहे हैं कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम्हारे जानने वाले हैं, तुम पर जो ईमान लेकर के आए हैं वो घटिया लोग हैं, वो गरीब है मिस्कीन है, कैसे कह सकते हो तुम नबी हो? तुम अगर नबी होते, अल्लाह के जो मानने वाले होते, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी होते, रसूल होते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अच्छा खासा इंसान बनाता, तुमको मजबूत आदमी बनाता, रुपए पैसे वाला आदमी बनाता, मालो दौलत वाला आदमी बनाता, हसबो नसब वाला आदमी बनाता, और जो तुम्हारे मानने वाले होते वो जो है अच्छे आदमी होते, तो जलील आदमी है, घटिया आदमी है, कैसे मान ले तुम अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के रसूल हो? कहा वमा नराकुम अलैना मिन फज़ल बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, तुम्हारे लिए हम पर फजीलत, यानी उन लोगों ने ये कहा कि हम तो तुम पर फजीलत रखते हैं, हम तो तुमसे ऊपर हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नबी हो? और तुम्हारे इर्द गिर्द जो तुम्हारे इत्तिबा करने वाले हैं वो भी रसील हैं, वो भी घटिया हैं। तो गोया कि उनके कौम वाले ने झुठला दिया, उनके कौम वालों ने झुठला दिया। फिर बात आगे बढ़ी, 950 बरस तक ऐसा कि बताया गया, करते रहे नसीहत करते रहे, और उसके बाद 80 लोग और उससे कुछ ज्यादा लोग ईमान लाए, उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आया। अजाब किस तरीके से आया, वही पहले तो वही नाजिल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल कर दी और कहा वअूहिया इला नूह, 950 बरस तक है तो नूह अलैहि सलाम जब दावत तबलीग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, 70-80 लोग ईमान लेकर के आए, है तो नूह अलैहि सलाम थक गए, 950 बरस बहुत बड़ी मुद्दत होती है, और हज़रत नूह अलैहि सलाम ने बद्दुआ की, अपने कौम के बारे में बद्दुआ की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कबूल भी कर लिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाज़िल की वअूहिया इला नूह अन्नहु लयुमिन मिन कौमिक, कि अब 950 बरस हो गए, अब तुम्हारी कौम में से एक भी शख्स ईमान नहीं ला सकता, एक भी शख्स ईमान नहीं लाएगा, वही नाज़िल हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा आपको ईमान लाने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, अब इनको अजाब से दो चार किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अजाब में मुब्तला करेगा, और सैलाब आएगा, पानी की बारिश आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कश्ती बनाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया वस्नाइल फुल्क की कश्ती बनाइए, कश्ती बनाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। अब कश्ती बना रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, और किनकी निगरानी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में कश्ती बन रही है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली कश्ती यही है नूह अलैहिस्सलाम ने जो बनाया, वयस्नाउल फुल्क, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, वकुल्लमा मर अलैहि मरउ मिन कौमि सखरु मिन्हु, जितने लोग उनके कौम वालों से गुजर रहे हैं सब लोग मजाक बना रहे हैं, ना पानी है, ना आधी है, ना तूफान है, ये पागल हो गए, मजाक बना रहे, एक तो नबी रसूल उसका मजाक बना रहे, फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, कह रहे पागल हो गया है ये, ना तूफान है, ना बारिश का कुछ आसार है, कश्ती क्यों बना रहा है, कहा ये हवा में उड़ाएगा, कुल्लमा मर्रा अलैहि सखरु मिन्हु क़ाला इन तसखरु मिन्ना फ़इन्ना नसखरु मिन्कुम वमा तसखरून, ये कह रहे हैं कि ये हवा में उड़ाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, इसलिए जो है कश्ती बना रहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब नाजिल कर दिया, सैलाब आ गया। पहले तो ये कहा गया कि कश्ती में जितने लोग हैं ईमान लाए, जितने लोग ईमान लेकर के आए हैं वो लोग कश्ती में सवार हो जाए, और इसी तरीके से जितने जानवर हैं उनका भी जोड़ा आप अपने साथ रख लीजिए। ऐसा अजाब आया, जानवरों को भी नहीं बख्शा गया, जानवर भी है हलाक हो गए, जो जोड़े जोड़े हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में रख लिया, फिर लेकर के चले, फिर जो है बहुत ज्यादा पानी का सैलाब आया, पानी आया, और देखते हैं कि नजरों के सामने बच्चा डूब रहा है, उनका एक बेटा था कनान, वो ईमान नहीं लेकर के आया था, वो अहले कुफर में से था, वो आपकी नजरों के सामने डूब रहा, इससे पता ये चला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
السلام کیا کرے ونادى نوح ابنه وكان يا بني ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين کہ اے میرے بیٹے یہ کشتی ہے کشتی پر آ کر کے سوار ہو جا. پتا یہ چلا کہ بیٹا باپ باپ ہی ہوتا ہے. بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے. نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہا ہے, کہہ رہے ہیں آجا کشتی میں سوار ہو جا. کیا کہہ رہے؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وقیض الماء وقضی الامر وسطرت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. کہ میں تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کر کے بچ جاؤں گا, جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کوئی بچنے والا نہیں ہے. اللہ کا عذاب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تھا سب کو برباد کر دوں گا, کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور دیکھتے ہیں کہ ایک لہر آتی ہے, لہر آتی ہے, بچہ نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, پھر دوسری لہر پہ نیچے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے. اور ایسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین سے سوال کر بیٹھتے ہیں. یہاں ایک لفظ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر, کہا جاتا ہے وقیل یا ارض ابلعی, پانی کو حکم دیا جاتا ہے, زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ پانی کو جو ہے پی لے, کیونکہ پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا, سوکنے کے لیے اس کو کہا گیا. یہاں پر ماءک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, صرف پانی کو ختم کرنا ہے. یہاں مفسرین کرام نے کہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین صرف پانی کو سوکھنے کے لیے نہ کہتا زمین کو, تو وہ پہاڑوں کو بھی نگل لیتی. پہاڑوں جتنی بھی چیزیں تھیں ساری کی ساری چیزوں کو نگل لیا جاتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا کہ صرف پانی کو کم کر دے, پانی کو سوکھ لے, ساری چیزوں کو نہیں کرنا. وقیل کہا گیا یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین نگل لے تو صرف پانی کو. یہاں اس لیے قید لگایا گیا, اگر اللہ رب العالمین پانی کا قید نہ لگاتا تو پہاڑوں کو جو ہے کر دیا جاتا, پہاڑ بھی نکل لیتا یہ زمین. اللہ رب العالمین نے اس لیے ماءک کا استعمال کیا گیا. اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین سب کو آگاہ, انسانوں اور جناتوں کو چھوڑ کر کسی کو آگاہ نہیں کرتا, صرف حکم دیتا ہے. اور وہ لوگ پاوالی نہیں کرتے, وہ لوگ جو عدولی کرتے ہیں, وہ لوگ اور جن کو, لیکن انسان اور جنات جو ہے اللہ رب العالمین ان کو آگاہ کرتا ہے, بتلاتا ہے. لیکن اور بھی جتنی چیزیں سب اللہ کی تابع داری کرنے کے لیے ایک دم ایکٹیو ہے, تیار, حکم ملا اس کو کر دیا. لیکن انسان اور جنات ایسی قوم ہے, ایسی ذات ہے کہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتی, اللہ کے حکم کو نہیں مانتی, اور جتنی چیزیں سب اللہ کی تابع داری میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہے قوم نوح کا واقعہ. اللہ رب العالمین نے ان کو اسی طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا, جتنے بھی لوگ تھے سب ختم ہو گئے. اسی طریقے سے پھر قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے, قوم ہود کا بھی تذکرہ ہے, اسی طریقے سے قوم مدین تمام لوگوں کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا. ایک آخری چیز, اس سورے کا نام سورے ہود ہے اور اس میں تمام اکثر نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, لیکن نام جو رکھا گیا وہ سورہ ہود, کیونکہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا من دونی فقیدونی فانہم ثم لا تنظرون, کہ تم لوگ, وہ لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے, سمجھاتے تھے, بلاتے تھے, لیکن چیلنج بھی کیا اپنی قوم سے, تم سارے کے سارے مل کر کے میرے خلاف چاہے سازشیں کرو چاہے جو کرو, میں ڈرنے والا نہیں ہوں. ایک کھلا چیلنج کیا, کوئی نبی کی کوئی بھی نبی اپنے قوم سے اس طریقے سے چیلنج نہیں کیا تھا. انی توکل, تو کہا میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں, یقین کرتا ہوں, مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرا ساتھ دے گا. تو یہ ڈیرنگ کے ساتھ جو ہے ہود نے علیہ السلام نے یہ کہا اپنے قوم سے, جو بھی چاہے کر لو, میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں, مجھے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ کا نام سورہ ہود رکھا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر تیری فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات, ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو بھی ہماری مائیں اور بہنیں اور مسلم بھائی
जितने भी भाई इस महफिल में शरीक हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे इस बैठने को कबूल फरमा और हमारे दिल के अंदर जो भी जायज ख्वाहिशात है उसको पूरी फरमा। इसी तरीके से मैं उनके हक में दुआ करता हूँ जिन लोगों ने दरस तदरीस का एहतमाम किया और इसी तरीके से नमाज तरावीह का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आमाल में इखलास पैदा फरमा और उनके इस आमाल को कबूल फरमा और इसके बदले उनको अजर अजीम अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें इस दुनिया के अंदर जब तक रख ईमान और इस्लाम की हालत में रख और जब हमारा खातिमा हो तो ईमान की हालत में हो। आमीन व आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।